माननीय मैं देश की 140 करोड़ की जनता की ओर से भी आसन का स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सदन है वो नियम से तो चलता ही है, हर चर्चा नियमों से बंधी हुई होती है, संविधान से बंधी हुई होती है, परंतु एक मायनों में ये सदन जन चेतना का, जनता की आकांक्षाओं का और जनता की इच्छाओं की प्रवक्ता बनने का भी सदन का दायित्व है और आज ये हो रहा है। 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। माननीय मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है, आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। माननीय 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझ कर चलना चाहिए। माननीय जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं माननीय कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। माननीय 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का, एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। माननीय 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है, उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। माननीय 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की, मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे, 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। माननीय 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन माननीय बनने वाला है। माननीय ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना। और इसीलिए माननीय हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया, संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। माननीय जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है, करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया है। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है, राम का राज्य आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है माननीय। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तापित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है, वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय हम सब
उन सौभाग्यशाली लोगों में से है जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं। मान्यवर, भारत की संस्कृति और रामायण को अलग कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधि में रामचरितमानस, उड़िया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण, और शंकरदेव ने भी वर्गीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी अनमन जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तापित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। हमारे यहाँ आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बसा। उराव में, बोडो में, संथाल में, संकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और रामायण के आधार पर अपने जीवन को आदर्श को बनाने का काम भी हुआ। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। मान्यवर, जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है, ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही, दशकों तक ये लड़ाई चली। मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली, लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है, जब से अंग्रेजों का शासन था 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान है। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनिभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, ये स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। मान्यवर, राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है, मान्यवर, वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। गिलहरी के समान कई लोगों ने
अपना योगदान दिया और मान्यवर ये राम सेतु जो बनना था 1528 से 22 जनवरी 2024 तक का, इस सेतु का भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के। मान्यवर 1990 में जब ये आंदोलन ने गति पकड़ी, उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का ये देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम मंदिर का निर्माण, इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश की चेतना की पुनर्जागृति का आंदोलन है, इसलिए हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराकर, कानूनी रूप से मुक्त कराकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है सर, जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है ये, भाजपा ऐसे ही वादे करती है, 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तिलाक समाप्त करना हो, अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है, और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी पार्टी का चरित्र है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, किस चीज का आक्रोश, हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए संवैधानिक तरीके से। कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो, भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो, किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो। मान्यवर निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बूढ़ा करना, ये ठीक नहीं है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। मान्यवर जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए, पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला। मान्यवर एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को देश की जनता ने लंबे समय के बाद और कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। मान्यवर 14 से 19 तक राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई चली, उसका ट्रांसलेशन हुआ, सालों लगे, लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर कोर्ट के सामने गया, बीच में चुनाव आ गया, कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं, चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला, और अंततो गत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया तब 5 अगस्त 2020 को
19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। माननीय, ये जो 20 से 24 की यात्रा है, वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव, हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा पूरा आंदोलन, मान्यवर, जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं, मान्यवर, कि ये मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब, और जब जजमेंट आया तब, कई लोग आगास लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे, इस देश में रक्तपात हो जाएगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे, इस देश में धर्म धर्म के बीच में बड़े विखवाद होंगे। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने, और उसके बाद जब समय आया, निर्माण के बाद जब समय आया, मान्यवर, उनको न्योता मिला कि वो आकर भूमि पूजन करें। 130 करोड़ की जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं, न्यास ने उनको नेतृत्व करने का, जनता का प्रतिनिधि है नाते, जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए। मान्यवर, वो आचरण आने वाले अनेक सैकड़ों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। मान्यवर, हम सब ने आचार्य गोविंद देव गिरी जी ने जो वक्तव्य दिया वो सुना है। मोदी जी को जब मौका मिला तब उन्होंने रामानंदी समाज के, संप्रदाय के और वैष्णव संतों से पूछा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा करनी है, किसी संसारी ने करनी है तो इसके यम नियम, इसके लिए किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, और जो संतों की ओर से सुझाएगा उससे भी अनेक गुना कठोर 11 दिन का व्रत इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, 11 दिन तक सैया पर नहीं सोना, 11 दिन तक केवल नारियल पानी के साथ उपवास करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय, राम भक्ति में रचे बसे रहना और पूरे जीवन की उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना। मान्यवर, ये 11 दिन में मां सबरी, गिलहरी, वानर, भालू, जटायु,
ये सब के साथ जुड़े हुए देश भर में जो राम के स्थान थे वहां जाकर राम के काज के लिए गिलहरी जैसा भी योगदान देने वालों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का काम प्रधानमंत्री राम मंदिर का। जब भूमि पूजन का समय आया कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए, ना मोदी जी ने इसका नेतृत्व पॉलिटिकली किया, ना हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का भजन अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक भक्ति का आंदोलन शुरू किया। मान्यवर, इस देश में कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए। मान्यवर, इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है। मान्यवर, मीरा ने चलाया, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, समर्थ रामदास ने चलाया। ये सब भक्ति आंदोलन समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था को बंधाने का। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह ये भक्ति आंदोलन ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। भारत के ही छोर में 10 सिख गुरुओं ने अनेक प्रकार के बलिदान, एक दशम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। इस प्रकार के त्याग की भी इस देश की परंपरा रही, परंतु ये समग्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक शासक ने, एक जनता के व्यक्ति ने, एक जनता के प्रतिनिधि ने अपने यम नियम तप और उपासना से भक्ति चेतना की जागृति की, तो इसका एकमात्र घटना नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं तो स्वयं अनुभव कर रहा हूं, मैं उस दिन बैठा था लक्ष्मीनारायण मंदिर में, दिल्ली में बिरला मंदिर में, जो जनता थी, जो लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे, पूरा देश राममय हो गया था और जय श्री राम के नारे लगा रहा। माननीय मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ विजय के पराजय के कोई भाव के बगैर जय श्री राम के युद्ध के नारों से पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम, श्री राम की वानर सेना का युद्ध का घोष था, पूरी दुनिया जानती है। जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला, और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। संघर्ष से भक्ति की यात्रा पूरे देश को आगे ले जाने वाली यात्रा है। मान्यवर, इतने चेतनामय वातावरण के अंदर भी विभाजन की बात करने वाले लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, समय को पहचानो, एकता के संदेश को स्वीकारो और आगे देखकर चलना शुरू करो। भारत की और हम सब की भलाई है। VK News, राष्ट्र के नाम।